नमस्कार, कोचिंग डिपो वेरावल ने एक गैजेट तैयार किया है जिसकी सहायता से हम यार्ड में पड़े हुए कोच की या फिर जो कोच एन रूट पे है जिसकी सेकेंडरी सस्पेंशन यानी कि बोलिस्टर की स्प्रिंग टूटी हुई हो उसको हम इजीली बदल सकते हैं बिना पिट लाइन की जरूरत के। तो आज हमारी ये CNW की टीम डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि ये गैजेट कैसे यूज करना है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बोलिस्टर फिटिंग्स खोलेंगे जिसमें शॉक एब्जॉर्बर के चारों बोल्ट फिर लोअर फ्लैंक के नीचे बनेगा।
इस डिवाइस को तब तक खोलना है जब तक बोल्स्टर स्प्रिंग फ्री ना हो जाए और हम उसके ऊपर लगे पैकिंग्स को निकाल सकें। स्प्रिंग्स फ्री हो जाने के बाद ऊपर लगे पैकिंग्स को निकाल लेंगे। फिर दोनों स्प्रिंग को भी निकाल लेंगे। इस तरह से ये दोनों स्प्रिंग्स को हम कहीं भी एंड रूट पे भी निकाल सकते हैं या यार्ड में भी कहीं भी। अब स्प्रिंग्स को वापस फिक्स करके बोल्स्टर असेंबली करेंगे। स्प्रिंग्स को लगाने के बाद उसके ऊपर दिए गए पैकिंग्स लगाएंगे। स्प्रिंग असेंबली लगने के बाद हमारे गैजेट को क्लोज करेंगे जिससे कि दोनों फ्लैंक्स के बीच की स्पेस कम होगी और साथ ही स्प्रिंग्स लोड में आएगी। गैजेट को कम्प्लीटली क्लोज कर देने के बाद लोअर फ्लैंक के नीचे दो जैक का सपोर्ट लगाएंगे। अभी गैजेट के चारों बोल्ट्स खोल देंगे और उसके बाद गैजेट को हटा लेंगे। अभी दोनों जैक्स की हेल्प से लोअर फ्लैंक को उठाएंगे जिससे हमें सस्पेंशन लिंक्स लगाने की स्पेस मिले। अभी चारों सस्पेंशन लिंक्स को वापस लगा देंगे। और जैक्स को स्लोली डाउन करेंगे। जैक्स डाउन हो जाने के बाद उनको हटा लेंगे। अब वापस दोनों फ्लैंक्स के बीच में जैक लगा के ऑपरेट करेंगे और दोनों ओर लगाए हुए होल्डर्स को निकाल देंगे। अभी जैक को डाउन करके हटा लेंगे।
शॉक एब्जॉर्बर को वापस लगा देंगे और उसको चारों बोल्ट्स की हेल्प से फिक्स कर देंगे। दोनों बोल्स्टर सेफ्टी ब्रैकेट्स को वापस फिक्स कर देंगे। और एंड में अंदर के इक्विलाइजिंग स्टेयर रोड के सेफ्टी ब्रैकेट को भी फिक्स कर देंगे।